पिछले कई दिनों से मुझे ना कई मैसेजेस आ रहे हैं, और वैसे तो खैर इस तरह के मैसेज हर महीने में एक दो तो आते ही होते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से तो बहुत ही रेगुलरली आ रहे हैं कि भैया हमें यहाँ पर ऑफर हो रहा है कि भाई पैसे दो पीआर लो, पैसे दो स्पॉन्सरशिप लो। एंड इवन कई नालायक यूट्यूबर्स ने तो इस चीज पे वीडियो भी बना दिए कि यहाँ पर 1.5 लाख दे के स्टूडेंट वीजा जो है वो वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जा रहा है, और वो पीएसडब्ल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं। और इस तरह के एक वीडियो पे तो मैंने खुद जाके अपने ही आईडी से ही कमेंट किया उसको, कि मैंने कहा भाई इतना तो झूठ ना बोल मेरे भाई, पहले एटलीस्ट खुद रिसर्च तो कर ले, एटलीस्ट फीस ही देख लेता। तो खैर अब इन नालायकों से तो लड़ने का या इन नालायकों को तो सुधारने का कोई फायदा तो है नहीं। अल्टीमेटली पब्लिक आगे जाके जब यहाँ आके समझ जाती है तो अपने आप उनको गालियां देती है, अभी मेरे को देती है, बाद में उनको देती है। तो खैर आज के वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि भाई इस चीज की सच्चाई कितनी है। तो बने रहिए इस वीडियो पे। मेरा नाम है ईशान मलिक, आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों जी ये जो बात है कि भाई यूके में पैसे दे के स्पॉन्सरशिप मिलती है, पैसे दे के पीआर मिलता है, ये बात सच है, ये बिल्कुल भी बात झूठी नहीं है। और ये बिजनेस यहाँ पर बहुत सालों से चल रहा है और बहुत जगहों पर चलता है, और ये बिजनेस किसी तरह से इलीगल भी नहीं है यहाँ पर। वैसे एक तरह से है भी और नहीं भी है, क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो कि भाई अगर मैंने अपनी कंपनी खोल रखी है और अगर मैं किसी को भी स्पॉन्सरशिप देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं। और उसके लिए अब तो खैर गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया है कि मुझे किसी तरह की जस्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। पहले की बात अलग थी, लेकिन अभी ये जो 2020-21 से जो थोड़े रूल्स के चेंजेस हुए हैं अब तो वो मुझे जस्टिफिकेशन भी नहीं देने पड़ते। तो बस मेरे पास एक रजिस्टर्ड कंपनी हो और मेरे पास एक स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस अवेलेबल हो तो मैं भी किसी को भी वीजा बांट सकता हूँ, किसी को भी स्पॉन्सरशिप बांट सकता हूँ। मेरा इस चीज पे अगर मैं पर्सनल टेक पे जाऊं तो अगर आप में से किसी को ये चीज मिलती है तो ठीक है, करिए, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन एंड वो जिस तरह की ऑफर आपको मिल रही है वो जेन्युइन है कि नहीं है, इस चीज की गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता है। आई मीन आप जिनसे बात कर रहे हैं अगर तो आपके जाने पहचाने या बहुत ट्रस्टवर्दी हैं और आपको यकीन है कि हाँ भाई ये आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे तब तो ठीक है, क्योंकि बेटर है कि हाँ भाई आप यहाँ पर पढ़ाई या किसी और चीजों के पीछे पैसे बर्बाद करें, उससे तो बेटर ये है कि ये आप करें। लेकिन इस चीज के जो मैं कुछ ड्रॉबैक जो मैं जानता हूँ वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ऐसे 6 महीने पहले जब मैं जॉब हंटिंग कर रहा था तब मेरे पास इस तरह की एक ऑफर आई थी कि भाई मुझे एक जॉब मिली थी, वो पहले तो मुझे एज अ परमानेंट बोलकर ही इंट्रोड्यूस करी गई थी, फिर बाद में मेरे को रिक्रूटर का ही मैसेज आता है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क करने में इंटरेस्टेड रहोगे। तो मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सैलरी डिफरेंस था नहीं, सैलरी सेम ही दे रहे थे, परमानेंट में भी सेम दे रहे थे, इसमें भी सेम दे रहे थे। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क में थोड़ा अच्छा रहता है कि सैलरी जो या इनकम टैक्स और वो सब जो चीजें होती है वो थोड़ी उसमें मुझे बेनिफिट मिलती है, इन शॉर्ट हाथ में पैसा ज्यादा आता है कॉन्ट्रैक्ट वर्क में। तो वहां पर उस रिक्रूटर ने मुझे यही ऑफर दिया था कि हम आपको एज अ कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे, आप हमारे साथ परमानेंट रजिस्टर हो गए और हम आपका स्पॉन्सरशिप और आपको देंगे, लेकिन आपको अब 5 साल या जितने भी साल है आपको हमारे ही साथ काम करना पड़ेगा और हम आपको एक के बाद एक हम आपको असाइनमेंट्स दिलाते जाएंगे। तो इस केस में होता ही है कि भाई मेरी एंड कंपनीज जो है या जो मेरी जॉब थी वो बदलती रहती, लेकिन जो मेरा जो पैसा है वो मुझे एक ही कंपनी से मिलता जिसके साथ मैं रजिस्टर हुआ। और इस तरह की जो पैटर्न है हम इंडिया में भी करते हैं, मैंने ऐसी जॉब इंडिया में भी करी है कि हाँ भाई मैं किसी एक एजेंसी और एक के साथ मैं यू नो रजिस्टर होता हूँ या वो मुझे हायर करते हैं, उसके बाद जो मैं इंडिया में जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम करता था, कभी कॉग्निजेंट, कभी TCS, कभी कभी विप्रो, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, यूएस में कॉन्ट्रैक्ट टू हायर बोलते हैं, इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट टू हायर ही बोलते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। तो इस तरह का सीन है। और अभी भी जब मैं जॉब हंट कर रहा हूँ तो इस तरह के इनडायरेक्ट मुझे इस तरह के ऑफर अभी भी आए हैं, लेकिन कुछ ने स्पॉन्सरशिप्स की बात करी है, कुछ ने नहीं करी है। अब ये जो तरीका है मुझे ठीक लगा था। अब इस केस में था ये कि भाई उसने जो ऑफर रखी थी वो ये रखी थी कि भाई वो मुझसे स्पॉन्सरशिप का तो कोई पैसा चार्ज करेगा नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म होती है उससे पहले मैं अगर छोड़ूं तो डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी मुझे भरनी पड़ती है। तो मिनिमम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने से लेके 1 साल के बीच कुछ भी हो सकता है, इवन ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली 3 महीने से लेके 1 साल के बीच का जॉब कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो हर साल रिन्यू होता जाता है। तो उसने शर्त ये रखी थी कि भाई वो स्पॉन्सरशिप देगा लेकिन वो हर महीने सैलरी में से ही 1000 पाउंड काट लेगा। तो मुझे वो चीज कोई इतनी अखरी नहीं थी क्योंकि जो ऑन हैंड जो मेरी सैलरी आने वाली थी उसके बाद वो बहुत ज्यादा अच्छी आने वाली थी, तो ऐसा कोई 1000 पाउंड मुझे अखरता नहीं। लेकिन फिर जब बाद में मैंने इसको जब कैलकुलेट किया तो मुझे यूं लगा कि हाँ यार ये मिनिमम नहीं तो 3 साल तक तो काटेगा ही। तो मैं इस केस में उसको 36,000 पाउंड पे करने वाला था एक स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए या एक स्पॉन्सरशिप के लिए, यानी कि 36 लाख रुपए। अब जो मार्केट में जिस रेट पे आपको जो सुनने मिलता होगा वो कुछ होगा यू नो 12 से 15 लाख के बीच में कि हाँ भाई इतने दो और स्पॉन्सरशिप का लेटर ले लो। अब ये वेरी भी करता है कि हाँ भाई कोई 18 भी मांग सकता है, कोई 12 भी मांग सकता है, कोई 10 भी मांग सकता है, कोई 15 भी मांग सकता है।
डिपेंड करता है, यूजुअली 15 का जो यहाँ पर रेट है वो मैंने सुना है कि भाई 15,000 pounds आप दो एंड कोई भी जो एक लीगल एम्प्लॉयर जो होगा वो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर देगा, उसके बाद आपको या तो उसी के साथ काम करना रहेगा 5 साल तक या फिर उसी के अंडर में वो जो क्लाइंट आपको लाके दे उसी के साथ काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकते, हाँ इलीगल करके ना वो सब जुगाड़ करके आप सब कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर लीगली तो उसी एम्प्लॉयर के साथ बाउंड हो। अब 5 साल 3 साल जितने साल का भी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है उसके बेस। अब यहाँ पर जो कुछ रायता जो कुछ लोगों ने फैलाया है वो इस तरह का फैलाया है कि एक तो इन्होंने झूठे झूठे सपने दिखा दिए हैं, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किसी ने वीडियो बना के बोला कि भाई 1.5 लाख रुपए में मिल जा रहा है, किसी ने बोला 4 लाख रुपए में मिल जाएगा, कोई बोलता है 5 लाख, कोई बोलता है 8 लाख। अब इसका अगर मैं आपको लीगल फीस ही बताऊं, क्योंकि मैंने खुद ने स्पॉन्सरशिप की प्रोसेस करी हुई है और लास्ट स्टेज पर जाकर ही मैंने विड्रॉ किया था अपना, तो मैं आपको बता दूं कि 5 साल के स्पॉन्सरशिप वीजा की लीगल फीस ही 8 से 9 लाख रुपए है। उसके बाद वकील और यू नो थोड़ा बहुत जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ये सब जोड़ जाड़ के ये 10 लाख के आसपास तो बनी जाता है। तो आप ये समझो कि आपको अगर 1% का ही स्पॉन्सरशिप लगाना है 5 साल का, तो आपके 8 से 10 लाख तो सिर्फ लीगल फीस में ही लग जा रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट ही ले रही है आपसे। इतनी तो फीस अगर आपसे कोई मांग रहा है या इससे कम कुछ भी मांग रहा है तो भाई वो बहुत ही भला इंसान है कि जो अपनी जेब से पैसा डाल के आपको रखना चाह रहा है। तो अगर इस तरह का कोई भला इंसान आपको मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, जबकि मैं नहीं मानता कि यूके में इतना अच्छा कोई है। दूसरे जो मैंने ड्रॉबैक थे वो तो गिना ही दिए कि भाई आपको फिर उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना रहेगा, अब उसके खुद के पास कोई काम नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पर हमेशा ही कैश जॉब ही करते रहोगे, यहाँ पर ऐसा फिक्स एम्प्लॉयमेंट कर नहीं पाएंगे। हाँ इसके कुछ जुगाड़ जरूर है, आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय काम कर सकते हैं जिसके लिए आप अपने एम्प्लॉय से परमिशन लेंगे ना, वो सब जुगाड़ है, जुगाड़ यहाँ पर हर तरह के अवेलेबल है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं। उसके अलावा ये जो 15 लाख या 20 लाख या 17 लाख जो भी आप देंगे इसकी कोई रिसीट वगैरह नहीं, वो सब तो डेफिनेटली मिलेगी नहीं आपको, ये तो डेफिनेटली इतना ही काम इसमें इलीगल है, बाकी के जो इसकी चीजें हैं वो तो सब लीगल ही है। और ऑब्वियसली जेन्युइनिटी की कोई गारंटी नहीं है कि भाई कोई किसी ने आपको फेक लेटर दे दिया या फेक एम्प्लॉयर ने कोई यू नो फेक लाइसेंस आपको दिखा के आपको लूट लिया या कुछ हो गया, तो ऑब्वियसली इस चीज की कोई गारंटी नहीं। अब रहा सवाल कि आप लोग मुझसे पूछते हो कि भाई मैं आपको सजेस्ट करूं कि भाई इस तरह का काम कहाँ होता है, कहाँ ऐसे जुगाड़ बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं, तो देखो दोस्तों मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने कभी इस चीज में इंटरेस्ट दिखाया, ना मेरा आज भी इंटरेस्ट नहीं है। अपने को अपनी स्पॉन्सरशिप वाली जॉब मिल जाती है तो बस मेरी आखिर में सलाह यही रहेगी कि भाई ये धंधा करना है करो, कोई इसमें गलत नहीं है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस एक अपना देख लेना कि भाई जॉब आप क्या करोगे वो उसके साथ बात कर लेना, किस तरह से आप जॉब की सेटिंग करोगे, कितना उसमें आप फिर कमाओगे, किस तरह का रहेगा। जैसे मैंने वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया, अगर उस तरह का रहता है तो वो एक तरह से अच्छा आपके लिए सेटअप हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं बनता, आप सिर्फ यू नो पैसा दे के यहाँ पर आओगे और फिर उसके बाद आपको कैश जॉब ही करना है, तो कैश जॉब में तो आप समझ लो कि फिर वो जॉब भी वैसे ही मिलेगी, वो कोई फिर व्हाइट कॉलर जॉब और वो सब चीजें नहीं मिलती उसमें। इसके अलावा जो आपको देने वाला है वो फेक है, रजिस्टर्ड है, कैसा है क्या नहीं है, इसके लिए आप जो Tier 2 स्पॉन्सर्ड लाइसेंस की जो एक लिस्ट है वो उस लिस्ट में जाके आप उस एम्प्लॉयर का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी जितनी भी चीजें आप चेक कर सकते हैं एटलीस्ट उतना ही चेक कर लेना। हालांकि ये सब चीजें फेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये कर लेना। इसके अलावा मैंने खुद ने अपना जो एक स्पॉन्सरशिप लेटर था उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि भाई स्पॉन्सरशिप लेटर दिखता कैसा है, उसमें क्या चीजें लिखी होती हैं, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो आप एटलीस्ट देख लेना, थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना कि भाई इस तरह का लेटर दिखता है। लेकिन डेफिनेटली कि भाई फेक लेटर बनाना नहीं वो सब भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस दोस्तों इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना कि भाई अगर आपको पैसा वैसा देना भी है नहीं ये सब कुछ है तो आप जिस तरह से भी डील करो कुछ चीजों का ध्यान रख के कर लेना। तो बस दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो कि मैं कहना क्या चाह रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।